Assalamualaikum viewers, आज मैं आबाद महमूद आपके साथ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम इस वक्त बैरियर टाउन कराची प्रिसिशन 10A में जा रहे हैं। 10A में बेसिकली आपके जो हैं वो बैरिया होम्स हैं, 200 स्क्वेयर यार्ड्स के भी हैं अवेलेबल, उसमें 150 स्क्वेयर यार्ड्स के भी अवेलेबल हैं। काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, यहाँ पे डेवलपिंग एरिया है, काफ़ी हद तक डेवलप हो गया हुआ है। प्रोग्रेस अभी भी कुछ जो चीज़ें हैं अभी अंडर प्रोग्रेस हैं, अंडर डेवलपमेंट हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी जल्दी हो सकता है कि ये जल्दी डेवलप हो जाए। और अगर आप ये सामने देख सकते हैं, विलास हैं ये 250 स्क्वेयर यार्ड्स के, तो ये भी काफ़ी हद तक जो है डेवलप हो चुके हैं। और बैरिया हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बैरिया इसका हो सकता है जल्द पोजेशन अनाउंस करते। तो अगर आप ये सामने देख रहे हैं, तो ये आपकी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ये रो है जिधर ये इस वक्त अन डेवलप्ड है, जिधर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई, ये कमर्शियल की है। नीचे आप इसकी पार्किंग भी देख सकते हैं कि ये पार्किंग भी है, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बन रही हैं यहाँ पे, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, प्लाजा है, प्लाजा बनेगा, काफ़ी चीज़ें होंगी यहाँ पे। अगर आप 10A के, अगर आप पिस्टन 10A जो लोकेटेड है बैरियर टाउन कराची में, वो काफ़ी आगे करके लोकेटेड है, काफ़ी नहीं मतलब थोड़ा सा आगे करके लोकेटेड है सेंट्रल पार्क से, थोड़ा सा मिडवे कमर्शियल्स के पास। अगर आप ये सामने का स्क्वायर देखें, चौक देखें, तो ये जो बना हुआ है मॉन्यूमेंट बना हुआ है, ये इसको अली स्क्वायर कहते हैं। ट्रक्स वगैरह भी आप देख रहे हैं कि ट्रक्स वगैरह काफ़ी डेवलपमेंट वगैरह लेके जाने के लिए काफ़ी मददगार इसमें, क्योंकि बैरिया की अपनी मशीनरी है, अपनी लेबर है, तो वो मतलब काम डिले नहीं करती। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बैरिया ने कुछ मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए हैं, जिस तरह जामिया मस्जिद हैं, स्पोर्ट्स विला वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं कंस्ट्रक्शन के। बाकी अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, तो कुछ विलाज हैं जो भी अंडर डेवलपमेंट है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये भी 200 स्क्वेयर यार्ड्स के विलाज हैं। एक अच्छी लोकेशन है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि तीन किस्तें इसकी जा चुकी हैं, तीन किस्तें इसकी बाकी हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करने की। ओन भी इस पर अगर हम लोग टोटल अगर प्राइस की अगर हम लोग बात करें, तो इसके ऊपर ओन ओन आ जाता है, यानी कि आप प्रॉफिट कह लें या प्रीमियम कह लें। ये एक काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है रेजिडेंस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और रेंटल इनकम के हवाले से। जब पोजेशन बैरिया इसका पोजेशन दे देगा, तो आपको एक अच्छी रेंटल इनकम भी इससे आ सकती है, मंथली के मंथली हो, बाकी जो भी आप जितना रखना चाहते हैं मार्केट के रेट के हिसाब से कि क्या इस वक्त रेंट चल रहा है। बाकी एक आइडियल लोकेशन है इस प्रिसिशन 10 की, एक आइडियल लोकेशन है इसके पास ही जा ग्रैंड जामिया मस्जिद है, थोड़ा सा आगे करके ग्रैंड जामिया मस्जिद आ जाती है, थीम पार्क भी इससे थोड़ा सा पीछे है, एक अच्छी ओवरऑल एक अच्छी लोकेशन है प्रिसिशन 10 की, तो एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बाकी व्यूअर्स, अगर आप अपने विलाज या प्लॉट या अपार्टमेंट की एक स्पेसिफिक आप कहते हैं कि ऑन ग्राउंड जाके हम देखना चाहते हैं कि उसकी डेवलपमेंट कितनी हो गई है, कितनी होने वाली है और कितनी रहती है, तो उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। उसके लिए हम उधर जाके हम आपको वीडियोस की बना के आपके विला की, प्लॉट की, अपार्टमेंट की प्रॉपर एक इलिस्ट्रेशन के साथ आपको हम वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी उसके अगर हम लोग बात करें, जो मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो की बनवाने की, तो उसके एक माइनस से चार्जेस हैं जो हम चार्ज करेंगे। बाकी थैंक यू। बाकी ये प्रिसिशन 10 है बैरियर टाउन कराची प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।